ये मरम्मत ना हो, ये सही से बढ़ जाए। देखिए गली में कितनी टूट फूट हो रही है, इस मरम्मत से कुछ नहीं होगा। ये चार पाँच दिन के बाद फिर वैसी हो जाएगा, पानी पड़ा तो भी आ जाए। ट्राली है हमारे कॉर्नर पे, हमारा मकान है वहाँ, रोज ट्रैक्टर से गड्ढे पड़ रहे हैं, कोई ट्राली वो कभी सामान गिर जा रहा है, पाइप तोड़ जा रही है इसकी। अरे कल तो बेटा राजनीति खेली जा रही थी कि राजनीति में कि ये है, अब मैं किसी बच्चे, देखो बच्चे हमारे भी उतने ही बड़े हैं, बच्चे और मोहल्ले के भी हैं, लेकिन किसी के हमने आए दिन गड्ढे अड्ढे में हमारे बच्चे, यहाँ पर तो आपको क्या बताएं, ये चीज़ करवा करवा के राजनीति खेली जा रही थी। यूपी के जिला बरेली में एक सड़क पर जनमत संग्रह की नौबत आ गई है। आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस जनमत संग्रह के पीछे की वजह यह है कि लोकल बॉडीज के चुनाव सिर पर हैं। हालांकि अभी ऐलान बाकी है, लेकिन उससे पहले ही बिसात सज चुकी है। वार्ड 77 सौदाग्राम, ये VIP वार्ड है। यहां दरगाह लहदत, खानखा नियाजिया समेत करीब 50 मंदिर होंगे। इन मंदिर, दरगाह और खानखा के बीच इस वार्ड में एक सड़क बननी है। उस सड़क को लेकर राजनीति हो रही है, दोनों तरफ से बनने और नहीं बनने की बातें की जा रही हैं। इस मामले में पार्षद और पूर्व पार्षद आमने सामने हैं। द लीडर हिंदी ने विवाद की जड़ तलाशने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की। देखिए द लीडर हिंदी पर अंश माथुर, अभिषेक की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, मैं हूं अंश माथुर। बरेली में निकाय चुनाव की सुगवाहट शुरू होने के बाद जो भी तमाम जगह हैं वहां पर अब चहलकदमी शुरू हो चुकी है। वहीं बात की जाए तो जगह जगह के जो वार्ड हैं वहां पर अब विवाद भी उभर के सामने आना शुरू हो चुके हैं। यहां का क्या पूरा मामला है, कैसे यहां पर ये लोग इकट्ठा हैं, कुछ सड़क टूटी हुई नजर आ रही है, उस पर क्या विवाद है, ये पूरी स्थिति जानते हैं। टूटी नहीं थी, ये तोड़वाई गई है जहाँ। अरे भाई, जो सड़क बिल्कुल साफ सुथरी है, सही जगह है, उसको न तोड़ी जाए और बाकी जहाँ टूटी है वहाँ का पैच और पैचवर्क से भरवा दी जाए। मेन वजह क्या है यहाँ पर, क्या विवाद है, जो है? विवाद काहे का है? जब ये सड़क सही है इसको तोड़वा दिया जाए तो विवाद है कुछ? ये विवाद है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? जो सड़क टूटी है या खराब है उसका पैचवर्क करा दिया जाए और बाकी सड़क उसको छोड़ दिया जाए, जो टूटी हुई उसको करवा दिया जाए, रिपेयरिंग करा दी जाए। सीधी बात ये है, कल क्या हो रहा था यहाँ पर, फिर उसके बाद कल राजनीति हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा क्या था? किस बात पर? वो कह रहा था ये सड़क सही है, कोई कह रहा है ये सड़क खराब है, बस इसी बात पे झगड़ा हो जाएगी, ये अभी नहीं बनेगी। क्या चाहते हैं क्षेत्र की, यहाँ का क्षेत्र है, सड़क बन जाए, टूटी फूटी आप तो वो बन जाए बस, जो मेन सड़क है टूटी हुई है दोबारा से नहीं होकर बनी। हाँ और क्या, ठीक है। कब से ये सड़क, इससे पहले कब से पड़ी हुई थी ऐसी? होगा 15 साल होगा, 15 साल लगभग हो गए। तो अब सब लोग का ये मानना है कि यहाँ पर ये सड़क दोबारा से नहीं बन जाएगी। मेरा श्याम शर्मा। श्याम जी, क्या चाहते हैं मेन यहाँ पर आपके क्षेत्र में, जो समस्या? यहाँ कोई विवाद नहीं है, कल निगम की टीम यहाँ पे आई थी, जो उन्होंने सड़क का सर्वे पहले किया होगा सड़क को बनाने के लिए, पर हम क्षेत्रवासियों ने वही कहा कि जो सड़क सही है उसको ना तोड़ा जाए और जो टूटे हैं वही पैच किया जाए, और इस पर हमारी आम सहमति बन भी गई है हमारे समस्त क्षेत्रवासियों की कि जो सड़क पक्की है उसको छोड़ा जाए और जो टूटी है उसका पैचवर्क किया जाए। अच्छा, स्थानीय यहाँ पर जो सभासद हैं, क्या उनसे आपकी कोई वार्तालाप हुई, उनसे कोई मतलब यहाँ पर शिकायत वगैरह की? नहीं, हमारा उनसे कोई विवाद नहीं हुआ कोई भी, नहीं उनको उस समय मौके मानने के लिए नहीं, मौके मौजूदगी पर उनको बुलाया गया, उनको दिखाया गया, जो सबकी राय हुई भाई सभासद जी ने कहा ठीक है। अब आम सहमति क्या बन रही है? आम सहमति क्या बन रही है? जो चीज सही है उसको छोड़ दिया जाए, जहाँ भी डैमेज है उसको बनवा दिया जाए, और कोई बात नहीं। जब ये चीज मजबूत है तो उसको छोड़ दिया जाए, जहाँ डैमेज है उसको सही कर दिया जाए, ये मरम्मत ना हो, ये सही से बढ़ जाए। देखिए गली में कितनी टूट फूट हो रही है, इस मरम्मत से कुछ नहीं होगा। ये चार पाँच दिन के बाद फिर वैसी हो जाएगा, पानी पड़ा तो भी आ जाए। ट्राली है हमारे कॉर्नर पे, हमारा मकान है वहाँ, रोज ट्रैक्टर से गड्ढे पड़ रहे हैं, कोई ट्राली वो कभी सामान गिर जा रहा है, पाइप तोड़ जा रही है इसकी है, इसलिए बनना जरूरी है। हमारा नाम सीमा है और मैं मालियू गली की रहने वाली हूँ। ये जो रोड है करीबन 15 साल हो गए हैं पड़े हुए इसको, और यहाँ पे आए दिन गड्ढे पानी भरा रहता है। हमारे जो मेंबर साहब हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ रिपेयर करवाते रहते, फिर भी वो नहीं रुक जाएगा, इसलिए हमारी तरफ से तो यही है, हमारा रोड नया बनना चाहिए, जहाँ जहाँ है हमारा रोड बनना चाहिए। क्या कहना है आपका, आप कब से रहती हैं, क्या नाम है आपका? माया। हमें 60 साल। क्या चाहती है यहाँ पर क्षेत्र में, क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं ना कि हमारी गली बन जाए अच्छी तरह से, बहुत परेशान है,
पानी बरसात गड्ढे गिर भी जाते कई दफा और इतनी परेशानियाँ हैं। बेचारे मेंबर साहब बहुत अच्छे आदमी है, वो चाहते हैं कि बन जाए तो अच्छा ही है। तो रोक कौन रहा है सड़क बनने से, रोक कौन रहा है फिर? अब जी आप हम नहीं कह सकते, ये तो खुद ही पता चला स्थानीय लोग और भैया ही मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई इसमें राजगी चल रही है, कोई समस्या नहीं है। बाकी अगर कहीं पे जैसे टूट फूट है वो तो सही होना चाहिए। मैं चाहते क्या है आप, क्या होना चाहिए यहाँ पर क्षेत्र में? जैसे कि कल भी विवाद बना था, कुछ यहाँ के लोगों के स्थानीय लोगों के बयान भी छपे थे, तो क्या कहना है उस बारे में? नहीं बयान तो देखिए इस बारे में तो यही कहना है, जितना भी अच्छा विकास हो वो अच्छी बात है, जहाँ पे कोई परेशानी है पब्लिक को आने जाने की वो दिक्कत दूर होना चाहिए, वो तो हर इंसान की इच्छा होती है। गौरी शंकर, यहाँ पर क्या मेन जो है समस्या है बाढ़ की और क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? भैया ऐसा है देखिए, कुछ एरिया की एरिया जो अच्छा बना हुआ है, जैसे ये हमारा करीब करीब मैं मानता हूँ करीब 20 मीटर जगह सही बनी है, बाकी सीवर लाइन किसी ने खुदवाई, किसी ने टंकी की पाइपलाइन खुदवाई और आगे सड़क पूरी खुदी पड़ी है, इधर के सब खुदे हुए हैं, ये सड़क बननी चाहिए दोबारा। और इसमें सबसे बड़ा बताऊँ क्या है, देखिए चार पाँच लोग विरोध कर रहे हैं चीज़ का, है कोई काम होता है भाई, कोई अच्छाई भी होती है कि बुराई भी होती है, ठीक इसमें होना क्या चाहिए कि वहाँ से लेकर जहाँ से सड़क बनेगी और जहाँ सड़क ख़त्म होगी, अगर हर घर में सर्वे कर लिया जाए, हाँ भाई सड़क बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, आप वो ले लीजिए समर्थन और विरोध, अगर 10 लोग विरोध करना 50 लोग समर्थन करना है तो सड़क बननी चाहिए। मैं चाहूँगी क्योंकि मेरी यहाँ की जो सड़कें हैं, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि सड़क मेंबर साहब से बनवाई जाए, अब आप खुद देखिए वीडियो बनाइए सड़क कितनी खराब हैगी। आप लोग चाहते क्या? हम ये चाहते हैं हमारी सड़क बन जाए, जैसे कि मेंबर साहब से हम लोगों ने कहा है, वैसे चाहते सड़क हमारी बन जाए। थी ये सड़क खराब है, रोज जाते थे और मैं रोज कहती थी भाई साहब जब रोड बनवा दो, बच्चे गिर रहे हैं, गाड़ियां गिर रही हैं। अब कल सड़क बनना शुरू हुई फिर क्या विवाद हो गया जो अभी काम रुक गया है? फिर यहाँ के लोग ये कहने लगे इसे सड़क नहीं बनेगी, सड़क सही है। क्यों, क्या क्या वजह है जो नहीं बनी? अब ये पता नहीं क्या वजह है, यहाँ तो भीड़। अब हम तो यही चाह रहे हैं जो सब कह रहे हैं वो हम भी चाह रहे हैं, ये है जितनी टूटी फूटी जगह है उसको सही करवा दें और क्या है। मेरी एक दुकान वाली है और एक दुकान जो वाली है और हम चाहते हैं कि यहाँ का सड़क निर्माण कार्य जल्द से जल्द करवाया जाए। क्या मेन समस्या क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है? हमारे को गड्ढे वगैरह की दिक्कत है, पब्लिक को आने आने में थोड़ी दिक्कत होती है, अभी उस दिन भी चार पांच लेडीज यहाँ पर उतार चढ़ाव के चक्कर में गिरी। बुजुर्ग आदमी यहाँ गिर जाते हैं, जो बुजुर्ग हैं ये रोड जो इतनी खराब है किसी का मुँह फूटता है, वो हल्के हल्के चलते हैं, उनको दिक्कत होती है बहुत। और अब नहीं कई सालों से हम कह रहे हैं ये सड़क खराब है, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानी है। अब क्या मेन जो स्थिति सामने आ रही है वो क्या आ रही है? अब यही है मेन, आप जी देखो इधर, हाँ। ये देखिए क्या हाल है, इधर रिक्शों का निकलना, आम पब्लिक का निकलना बड़ा बुरा हाल है, आप ये समझो। हम चाहते हैं कि इस कार्य को जल्द से जल्द सही किया जाए, सुचारू रूप से चालू करा जाए। तो हमने ये पूरे बाढ़ का सर्वे किया, लोगों की राय जानी, उनका क्या मानना था। अब यहाँ पर स्थानीय पार्षद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना। देखिए ये मेरे क्षेत्र की जनता, यहाँ के स्थानीय लोग खड़े हुए हैं, इन लोगों ने मुझे जब भी कोई कंप्लेंट बताते हैं वो उसका मैं समाधान करता हूँ, भले एक दिन में हो जाए या दो दिन में हो जाए। हमारे पास यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर जगह आपने कैमरे से देखा होगा, सड़क बहुत ज़्यादा खराब है। लोगों ने कहा अतुल जी दुनिया भर में काम हो रहा है, आप अपने वार्ड में कुछ काम नहीं करा रहे हैं, आप हमारी ये सड़क ठीक कराइए। उस सड़क को ठीक कराने के लिए मैंने प्रपोजल दिया, नगर निगम के जेई आए, उन्होंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक की खराब है, यहाँ से यहाँ तक की खराब है। अब क्योंकि नगर निकाय निगम चुनाव नज़दीक में रहें और जो विरोधी लोग हैं आप जानते हैं कि जब बरसात होती है तो मेंढक आ निकल ही आते हैं, तो उन लोगों ने जो है ये यहाँ पर कुछ लोगों ने इस बात का विरोध करा और क्षेत्रवासियों को भ्रमित करा कि पूरी सड़क तोड़वाया जा रहा है जैसे, जबकि पूरी सड़क का नहीं है, जहाँ जहाँ सड़क सही है वहाँ वहाँ सड़क बिल्कुल नहीं बनेगी और ना मैं चाहता हूँ कि बने, लेकिन जितनी सड़क खराब है वो अगर क्षेत्रवासियों ने कहा है कि सड़क बननी चाहिए तो बनेगी, चाहे इसका राजनीतिक विरोध ये विरोधी कितना भी करें। मेरा नाम प्रहलाद मेहरोत्रा है, पूर्व पार्षद हूँ, चार दफ़े यहाँ से चुनाव जीता हूँ, दो बार मेरी पत्नी और दो बार मैं, रचना मेहरोत्रा प्रहलाद। ये जो विवाद है एक्चुअल में बात ये हुई थी, कल मेरे पास फ़ोन आया था कि ये सड़क जो है यहाँ पे ये लोग तोड़ रहे हैं और ये सड़क हम बनवाना नहीं चाहते, सड़क सही बनी हुई है। तो मैंने उनसे फ़ोन पे कह दिया अगर सब लोग मोहल्ले की जो चाहेंगे वो होगा, आप लोग सब लोग इकट्ठे हो जाइए और विरोध करिए कि हमें सड़क नहीं बनवानी है। सारे लोगों ने इकट्ठे होकर विरोध करा, सड़क का काम रुक गया। माननीय महापौर, नगर आयुक्त एक्शन शुक्ला,
क्षेत्रीय जेई को सब अवगत करा दिया गया। मौके पे आकर उन्होंने मुआयना करा और ये माना कि सड़क सही बनी हुई है। जब सड़क मानक के अनुसार बनी हुई है तो तोड़ने का औचित्य नहीं है। सबसे पहले तो उस जेई के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इसका एस्टीमेट बनाया, और जिसने भी इस सड़क को बनवाने के लिए लिख के दिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय पार्षद का ये कहना है कि हमारे पास शिकायतें पहुंच रही थी स्थानीय लोगों की, तभी मैंने ये बनाने का प्रयास किया। मैं स्थानीय पार्षद से ये पूछना चाहता हूँ, उससे एक दिन पहले वो दीपक शर्मा पानी वाले हैं, उनकी दुकान पर रात्रि को 8 बजे बैठे हुए थे, वहाँ पे क्षेत्र के काफ़ी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उन सब से ये क्यों नहीं कहा ये सड़क कल टूटेगी और बनने वाली है, और क्षेत्र की जनता को विश्वास में क्यों नहीं लिया कि हम ये सड़क कल तोड़वा रहे हैं और इस सड़क को हमें बनवाना है, आप लोगों की राय क्या है? आपका क्या कहना है कि मतलब सही सड़क है उसको तोड़वा कर दोबारा बनवाया जा रहा है? नहीं, मोहल्ले के लोगों को कहना, मेरा कुछ कहना नहीं है क्योंकि मुझे तो चुनाव लड़ना है और मैं यहाँ से 4 बार पार्षद रहा हूँ, इस बार भी चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी टिकट मुझे देगी। मैं यहाँ से चुनाव लड़ने वाला हूँ। अगर कोई ये कहता है कि साहब आपका क्या कहना है, तो मेरा कोई भी कहना नहीं है, केवल वहाँ की जनता जो कहेगी वो होगा। अगर जनता कहेगी सड़क बननी है तो बनेगी, और जनता कहेगी सड़क नहीं बननी है तो नहीं बनेगी। और क्षेत्र के जेई ने आके देख लिया, उसने कहा सड़क सही है। अब उसके बाद भी अगर पार्षद जी जिद कर पे अड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, जो प्रशासन निर्णय करेगा वो मानेंगे, और सबसे बड़ा जनता का निर्णय होता है, 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं, जनता जो निर्णय करेगी वो सबके सामने आ जाएगा। आप कुछ बता रहे थे कि पहले भी कुछ सड़कें बनी हैं। अभी आप वहाँ पे जहाँ पे ये सड़क बनी है उससे पहले नीरज मेहरोत्रा के नाम से एक बोर्ड लगा, नीरज मेहरोत्रा से लेकर दीपक पानी वाले की दुकान तक का सड़क का निर्माण, ये जब चुनाव जीते थे उस सड़क का निर्माण हुआ था। उस सड़क की हालत आप देख लें क्या आया, अभी 5 साल नहीं हुए। उससे पूर्व रस्तोगी धर्मशाला के बराबर अभी 3 महीने में 3 बार सड़क बन गई, और सड़क 3 महीने में 3 दफ़े बन चुकी है, उसके बाद भी सड़क सही नहीं है। तो ये कैसे, किस मानक के अनुसार काम हो रहा है और कौन ठेकेदार काम कर रहा है? कहीं वो ठेकेदार इनका खास आदमी तो नहीं है सभासद का? कहीं इनका भैया हो या इनका पार्टनर हो? ये साइलेंट उसमें पार्टनर हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए।